दिल्ली में जो हिंसा हुई इसमें अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। देश की राजधानी में लगातार 3 दिनों तक हिंसा होती रही, जिसे न सरकार और न ही पुलिस रोकने में कामयाब रही। इन बातों को लेकर लोग केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार और दिल्ली पुलिस पर आरोप भी लगा रहे हैं। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में हुई इस हिंसा को सांप्रदायिक दंगा बोलना चाहिए, क्योंकि हिंसा के वक्त भीड़ लोगों को धर्म के आधार पर उन्हें चिन्हित कर मौत के घाट उतार रही थी। लोगों से जय श्री राम और हनुमान चालीसा सुनाने को बोला जा रहा था, नहीं तो उसके बाद उन्हें मार दिया जा रहा था। दिल्ली की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर एक गोदी मीडिया के पत्रकार का पोस्टर शेयर कर लिखा है कि दिल्ली में दंगा हुआ, चौंकिए मत, ये नफरत ऐसे ही नहीं फैली, उसके लिए दिन रात टीवी चैनल पर हिंदू मुस्लिम करने वाले पत्रकारों का अहम योगदान है। दरअसल प्रशांत भूषण ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर तथाकथित मुख्य धारा के टेलीविजन पत्रकारों और उनके मीडिया घरानों पर निशाना साधा है, जहां इनके न्यूज रूम में दिन रात पिछले 6 सालों से देश को बांटने वाली सामग्रियों को दिखाया जा रहा है। प्रशांत भूषण का सीधा निशाना आज के इन गोदी मीडिया के पत्रकारों पर है, जो दिन रात अपने न्यूज रूम से हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और कश्मीर से जुड़ी गलत खबरों को प्रसारित करते रहे हैं। ये पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलने वाले हर नागरिक को देश के खिलाफ बताते रहे हैं। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार आरएसएस के हिंदुत्व एजेंडे को देश में लागू करना चाहती है, जिसमें मोदी सरकार का सबसे ज्यादा अगर कोई मदद कर रहा है तो वो है ये गोदी मीडिया के पत्रकार, जो रात दिन विपक्ष और अल्पसंख्यक को देश के विलेन की तरह बताते रहते हैं।